आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की है। शंघाई सहयोग संगठन के एक सेमिनार में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने न सिर्फ कई सालों तक देश का नेतृत्व किया बल्कि युद्ध के समय में भी देश की दिशा दी। उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक SCO संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास में महिला शक्ति की भूमिका को लेकर देश का अनुभव काफ़ी सकारात्मक है। रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्र की रक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए महिलाओं ने इतिहास में हथियार उठाए हैं और उसके कई उदाहरण मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उनमें सबसे प्रमुख है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी न केवल सालों तक देश की अगुवाई की बल्कि युद्ध के दौरान नेतृत्व किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी के PM रहते भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता और बांग्लादेश बना था। सिंह ने कहा कि महिलाएं पालक और रक्षक के तौर पर कई सदियों से बेहतर भूमिका निभाती आ रही हैं। उन्होंने कहा, सरस्वती ज्ञान बुद्धि और शिक्षा की देवी है तो माँ दुर्गा रक्षा शक्ति विनाश और शुद्ध की और युद्ध की देवी है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ महिलाओं की सशस्त्र बलों में भागीदारी के लिए जल्द पहल की गई और महिलाओं की भर्ती स्थायी कमीशन के रूप में सेना में होने लगी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1992 में ही भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हो गई थी। अब सेना की अधिकतर शाखाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए।